प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन के लिए रवाना होंगे, जहां उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से पहली बार मुलाकात होगी। अमेरिका में अपना जादू चला चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलेंगे। दुनिया के दो बड़े नेताओं के बीच होने वाली इस मुलाकात पर सिर्फ भारत और अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर है। Very positive. His message is positive of strengthening bonds between America and India, and I see an even stronger future for the world's largest democracy and the world's oldest democracy. मोदी और ओबामा की ये मुलाकात आज रात 8 बजे होगी। ओबामा और मोदी के बीच कई मुद्दों पर बातचीत होगी, जिसमें रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, व्यापार और अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दे शामिल हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान के मुताबिक दोनों नेता आर्थिक विकास को गति देने, सुरक्षा सहयोग बढ़ाने और आपसी सहयोग के उपायों पर चर्चा करेंगे। We've been strong allies in fighting terrorism, and I can only see these bonds getting stronger and deeper. मोदी के सम्मान में ओबामा ने प्राइवेट डिनर पार्टी भी रखी है। व्हाइट हाउस के ब्लू रूम में होने वाले इस डिनर में गिने चुने लोग ही शामिल होंगे, जिसमें ओबामा के साथ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी समेत कुछ ही लोग होंगे। वहीं मोदी के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत कुछ वीआईपी होंगे। अहम बात यह है कि जिस वक्त ओबामा डिनर में मोदी की अगवानी करेंगे, उसी वक्त भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों ने व्हाइट हाउस के बाहर डांडिया रास और गरबा का आयोजन किया है। मोदी के लिए ओबामा ने डिनर का भी इंतजाम किया है, लेकिन मोदी नवरात्र के उपवास में हैं, वो सिर्फ नींबू पानी पियेंगे। इंडिया न्यूज के लिए राकेश कुमार सिंह।